हाँ तो गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जो हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, 2024 का फर्स्ट ब्लॉग। जो कि हमारा फर्स्ट ब्लॉग कुछ इस प्रकार है, बहुत सुनसान जगह है, पूरा जंगल इलाका है जो कि आप देख सकते हैं। तो कुछ पहाड़ों का दृश्य आप देखिए, फिर मैं अपने बारे में कुछ आपको जानकारी बताऊंगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। माझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे है। हाँ तो गाइज, आपने हमारा वीडियो तो बहुत सारा देखा होगा, जिसमें कि आपको पता नहीं होगा कि हम कहाँ के हैं। ऑलरेडी हमारा गांव बिहार, मतलब हम बिहार राज्य से बिलोंग रखते हैं और हम गुजरात में रहते हैं, और बिहार राज्य भागलपुर शहर, भागलपुर शहर से भी 10 किलोमीटर पूरा गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। तो वहाँ से हम गुजरात जो है कि नौकरी के तलाश में आए थे, और अभी अच्छा खासा नौकरी कर भी रहे हैं। तो फिर चलिए, इसके बाद थोड़ा आगे का कुछ नज़र देखते हैं, उसके बाद फिर बताऊंगा। बिहार के जो आदमी हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है ना, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी के पास टैलेंट नहीं है। बस दरअसल ये है कि हम लोग मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत के ऊपर, मेहनत के बदौलत हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा करना, वो हम ही लोगों के बदौलत होता है। कोई ये पैसा वाला या बड़े लोग के लड़के या मजदूर, वो सब मजदूरी नहीं करते, हम लोग ही मजदूर करते हैं, फिर भी हम लोगों को एक गिरा हुआ इंसान समझते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, मगर मैं बताना नहीं चाहता हूँ। बस यही सहयोग देना, सबसे संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा एक दूसरे की बुराई करना चाहते हैं, तो बुराई नहीं, कुछ अपने अंदर की कला भी दिखाना चाहते हैं। दिखाने के लिए अपने अंदर जो बसा हुआ है ना, अंदर ये दिल के अंदर जो है, उसको बाहर निकालना है। जो कि हमने जैसे दिखाया, उसी तरह आपको भी दिखाना है। तो पूरी दुनिया को बताना है, हम बिहारी इससे कम नहीं है। चलिए फिर आगे बताते हैं। हाँ तो गाइस, हम यहाँ नौकरी के लिए आए हैं और नौकरी भी करते हैं। तो जैसे कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कुछ इस तरह से, कि जैसे कि यहाँ या और स्टेट में हम जाते हैं, तो जैसे बिहारी को कुछ, मतलब गिरे हुए नज़र से देखते हैं, गिरे हुए नज़र से, जैसे कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हम लोग एक पिछड़े जात की तरह मानते हैं हम लोगों को। इसका कारण ये है कि एक तो हमारे राज्य में ऐसा कुछ है नहीं, जो कि हमें दूसरे के राज्य में आके नौकरी करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। तो हम उन भाइयों जो कि समझते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है और बिहारी के अंदर कुछ ऐसी क्षमता नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे, तो हम उन लोगों को बताना यह चाहते हैं कि देंगे उसे, क्योंकि देखेंगे जैसे कि ये बिहारी का ब्लॉग है, बिहारी वीडियो बनाया है, तो उसको हटा ही देंगे, अगर उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप लोगों को ये सहयोग देना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों के अंदर भी एक टैलेंट है, जो कि आप टैलेंट दिखाइए, दुनिया को दिखाइए, हमें ही नहीं दुनिया को दिखाइए। दुनिया को दिखाने से पता चलेगा, अभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ज़्यादातर हम यहीं पर नहीं, गुजरात में ही नहीं, बॉर्डर में, नेवी में,
जहाँ भी बड़े बड़े फोर्स हैं मर मिटने के लिए, सब जगह एक बिहार और यूपी के लोग ही तैयार होते हैं। बाकी ये जितने बर्मा जितने भी ये इंडिया में हैं, जैसे बड़े बड़े शहर, उन लोगों को सिर्फ पैसे और पैसे से मतलब है। तो हम लोगों को पैसा तो बिल्कुल कम के बराबर है, मगर देश के ऊपर ज़्यादा, देश के भारत माता की सुरक्षा के लिए कोई ज़्यादा ही हम लोग बड़े रीत रहते हैं। तो बस यही था हमारा फर्स्ट ब्लॉग, फिर थोड़ा कुछ आगे के बारे में दिखाएंगे। तो चलिए, आज पहाड़ पे आ गए हैं, तो पहाड़ पर से फिर देखते हैं कुछ चारों साइड का नजारा, जो कि बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो देख सकते हैं क्या गजब है। अभी इससे भी ऊपर जाएंगे, इससे भी बड़ा पहाड़ है आगे। चलिए गाइस, तो अभी दूसरे पहाड़ पे चलते हैं। तो पहाड़ पर चलने के कुछ रास्ता देखिए इस प्रकार है, बहुत खतरनाक है। आप हमारे वीडियो पे सब्सक्राइबर बने रहेंगे तो इसी तरह का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए कितना कठिन रास्ता है। फिर सामने देखिए, जैसे लगता है कोई पत्थर रख दिया है तीनों तीन साइड में, एक ये, एक इधर, एक यहाँ। तो देखिए कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा, जो कि कुछ लिखा हुआ है आई लव निशा, कोई दीवाने होंगे जो कि लिख रखे हैं। चलिए फिर आगे देखिए, इस तरह से कुछ खाई वगैरह, गजब का खाई है। फिर आगे सबसे ऊपर, ऊपर का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। तो बस यही है अपना लास्ट जगह जो कि देख सकते हैं। शाबाश बेटा।